बजाज फाइनेंस जी सर, क्या आप लोन लेना चाहते हैं? हाँ, लोन तो लेना चाहता हूँ। 5 लाख का लोन चाहिए मुझे, कैसे होगा? सर, हो जाएगा। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक सेल्फी फोटो, बैंक का पासबुक का फोटो व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप कीजिए? किस नंबर पे व्हाट्सएप? सेम नंबर पे सर। सेम नंबर पे जी सर। हाँ, आपको व्हाट्सएप मिला मेरा? जी सर, आपका वेरिफिकेशन हो गया। इसमें आपको 2150 का खर्च लगेगा, जो कि अभी पेमेंट कराना होगा आपको। ये पेमेंट कैसे होगा? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से। इसी नंबर पे? जी सर। अरे यार, कितना चार्ज लोगे? तो जमा किया है मैंने 2180 रुपए। जी सर, तो जमा किया, वो प्रोसेस आपका हो गया, फिर से चार्ज आया, आप भरिए तब आपका होगा। और नहीं भरूंगा तो क्या होगा? तो फिर कैंसिल हो जाएगा आपका पैसा। 2180 का क्या होगा? वो फिर नहीं मिलेगा सर। कितना जमा करना है? 3500। अरे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा यार? जी सर, अभी तो 2800 जमा किया, फिर 3500 जमा किया। जी सर, तो अभी फिर प्रॉब्लम है सर, इसमें आप फिर 5000 जमा करेंगे तब होगा। अरे पुलिस केस कर दूंगा तुम्हारा, कितना वसूलोगे तुम मेरे से? नहीं सर, आपको कराना अनिवार्य होगा, आप कराएंगे तब भी होगा आपका। हेलो। हाँ हेलो। अरे मेरा अमेजोन का आना था भाई, आया नहीं वो कुरियर। सर आपका ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर आईडी बताइए, चेक कर ले रहा हूँ। टैगिंग आईडी मेरा, ऑर्डर नंबर है 423484 और टैगिंग नंबर है 456934। जी सर, मैं चेक कर ले रहा हूँ, लाइन पे रहिए। सर मैं चेक कर पा रहा हूँ, कोई टेक्निकल इशू वजह से आपका एड्रेस जो है वो ऑनलाइन अपडेट नहीं बता रहा है, इसलिए वो पार्सल अभी होल्ड पे रखा हुआ है सर। अरे बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल है मेरा, कैसे करते हो आप लोग? जी सर मिल जाएगा, मैं प्रोसीजर बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन एड्रेस अपडेट कर लीजिए, आधे से एक घंटे में मिल जाएगा। प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा एक बार। प्ले स्टोर में सर डाउनलोड कीजिएगा एनी डेस्क। एनी डेस्क डाउनलोड होने के बाद देखिए सर, वहाँ पे योर एड्रेस करके कोई नंबर आ रहा होगा, नंबर बताइएगा। नंबर आ रहा है आपका 428591। जी सर, नंबर आने के बाद देखिए वहाँ पे एक्सेप्ट आएगा सिक्योरिटी वार्निंग करके। हाँ, एक्सेप्ट करने के बाद स्टार्ट नाउ कीजिएगा। नाम भर दिया, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ट्रैकिंग नंबर। हाँ, अमाउंट में सर 5 रुपये डालिएगा, एड्रेस वेरिफिकेशन चार्ज कटेगा। तो ये 5 रुपये कहाँ से डालूँ? सर वहाँ पे ऑप्शन होगा, 5 रुपये डालने के बाद नीचे ऑप्शन होगा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का। जी, उसके बाद डाल लिए सर। हाँ जी, उसके बाद सर यहाँ से हम लोग सबमिट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से भेजते हैं ओटीपी। ओटीपी अगर पैसा रहता है तो मारा जाता है, नहीं रहता है तो नहीं मारा जाता है। बहुत कार्ड है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद रहता है, वो भी नहीं मारा। क्या नाम है? नकुल कुमार मंडल। अरे भाई चेहरा तो दिखाओ सबको। नकुल कुमार मंडल। नकुल कुमार मंडल। आपका? अर्जुन मंडल। अर्जुन मंडल, कब से कर रहे हो ठगी का काम? 2018 से। 4 साल से निरंतर। कितनी पढ़ाई की हो? सर मैं 4-5 तक पढ़ा। तो 5वीं पास जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी को चूना लगा रहा है, यही साइबर ठगी है। आप भाई? 7th। कितने पढ़े लिखे वालों को बेवकूफ बनाए हो? सर कॉल आता है पता नहीं, उसको पता नहीं, नॉमिनल से जो मिल जाए उसको चूना लगा देते हो। एक दिन में कितने लोगों कॉल, आप कौन सा काम कैसे करते हो जरा बताओ जनता को जरा। सर कुरियर सर्विस में, कुरियर सर्विस का कॉल आता है। कुरियर सर्विस का कॉल आता है तो हम लोग फोन करते हैं कि मेरा पार्सल अभी तक नहीं मिला है, तो हम लोग बोलते हैं आपका ट्रैकिंग नंबर बताइए, मैं चेक करके बता रहा हूँ। तो ट्रैकिंग नंबर लेने के बाद बोलते हैं सर आपका पार्सल होल्ड पे है, अभी आपको दोबारा ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करना होगा, फिर आपका पार्सल आधे से घंटे में मिल जाएगा। ऑनलाइन एड्रेस दोबारा अपडेट करना पड़ेगा तब आपको मिल जाएगा, गुड। फिर क्या करते हो? फिर बोलते हैं ठीक है बताओ कैसे करना है। तो उसको एनी डेस्क कराते हैं, एनी डेस्क ऐप ये लोग डाउनलोड कराते हैं। बहुत जरूरी है जनता के लिए कि जो नॉर्मल आदमी को, कोई भी आदमी एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करने के लिए बोले, एनी डेस्क ऐप को कभी डाउनलोड ना करें। एनी डेस्क ऐप को आप जैसे ही डाउनलोड करते हो, आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, जिसमें आप एनी डेस्क ऐप को डाउनलोड करोगे, इसका कंट्रोल मेरे पास नहीं रहेगा, इसको रिमोट कंट्रोल हो जाएगा। सब रिमोट आपने देखा है ना, रिमोट में दूर से बैठे हुए टीवी को कंट्रोल करते हैं, सेम उसी तरह यदि आपने एनी डेस्क ऐप डाउनलोड कर लिया तो आपके एनी डेस्क मतलब कोई भी आदमी कहीं बैठ के आपके फोन को कंट्रोल कर सकता है, आपके फोटोज देख सकता है, आपका गैलरी देख सकता है, आपके ओटीपी पढ़ सकता है, मतलब मान लीजिए कि फोन का कंट्रोल उसके पास है। तो एनी डेस्क ऐप यदि कोई भी आपको डाउनलोड करने कह रहा है तो मान के चलिए आप ठगी के शिकार के बहुत नजदीक हो। क्यों भाई? जी, एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या करते थे? सर बहुत आदमी नहीं करते हैं, बहुत आदमी जो है कुछ नहीं करते। तुम 30 आदमी का फोन आता है तो 100 आदमी का फोन आया तो कितने करते होंगे, कितने नहीं करते होंगे? सर लगभग 10-15 करते होंगे। 10-15% करते हैं, मतलब 100 आदमी का कॉल आता है तो 85 आदमी देश में सचेत है जो समझ जाता है, ठगी से बच जाता है। लेकिन आप समझिए यदि 10-15% लोग भी ठगी का शिकार बन रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या। एक महीने में कितने लोग ठगी के शिकार बनाते हो तुम लोग? सर गारंटी नहीं है, जैसे कॉल कभी कितना, मतलब एवरेज महीने में कितना करते हो, कितने लोग ठगी के शिकार बनते हैं?
सर हो जाते हैं पांच से दस एक महीने में, मतलब साल में ये दो व्यक्ति मिलके 60 से 100 आदमी, करीब 100 से ज्यादा ठगी एक साल में करते हैं। तो पिछले 5 साल में मान के चले 500 ठगी के ये लोग कर चुके हैं। एक बार में ठगी होती है कितने रुपए की ठगी होती है सर? जिससे उसका अकाउंट में पैसा रहा जितना रहे उतना चूना लगा दोगे? नहीं सर, जैसे एनीडेस फिर डिलीट कर देता है तो नहीं होता। जब पर एनीडेस आपने डाउनलोड किया उसके बाद क्या करते हो? उसका योर एड्रेस नंबर लेके कनेक्ट करते हैं सर। कनेक्ट लेने के बाद उसको गूगल फॉर्म का एक लिंक होता है, गूगल फॉर्म का लिंक भेजते हो, गुड। वो लिंक भेजने के बाद वो पढ़ता है कुरियर सर्विस ऑनलाइन एड्रेस वेरिफिकेशन का, हाँ? नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ट्रैकिंग नंबर, अमाउंट बोलते हैं 5 रुपया आपका एड्रेस वेरीफाई चार्ज। 5 रुपया एड्रेस वेरिफिकेशन, 5 रुपया डालता है वो, अकाउंट नंबर डालता है? अकाउंट नंबर नहीं डालता सर, अमाउंट 5 रुपया डाला, हाँ? फिर उसके बाद नीचे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता है, तो बहुत आदमी जो नहीं करते हैं, बहुत आदमी जो 5 रुपये के लिए बोलते हैं 5 ही रुपये लेकर कर देते हैं। 5 रुपये करने के बाद सर जैसे हम कार्ड देख लिए, फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है जैसे फ्री रिचार्ज एरम पे सब सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्री रिचार्ज जैसे कोई सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक है, तो उसमें रेंट पेमेंट करके 10,000-15,000 बिना देखे पैसा, उसको मालूम नहीं है सर कितना है नहीं है उसका अकाउंट में मालूम नहीं है। तो आप तुक्का मारते हो, 10,000 डाल के देखे निकल गया तो? जी सर, OTP डालते हैं, उसका हो गया सक्सेस हो गया, फिर वो देख लेता है कि कट गया तो एनीडेस पहले हटाता है या बैंक समझदार होता है तो एनीडेस हटा लेता है या बैंक को बोल के ब्लॉक करा देता है। जी सर, आप समझ सकते हैं। तो आपने मैक्सिमम ठगी, सबसे बड़ी ठगी कितने लाख की है सर? लगभग 1 लाख तक हम किए हैं। 1 लाख तक की, और 1 लाख तक की ठगी समझ सकते हैं कि, और छोटी ठगी कितनी करते हो? जितनी हो जाए 5,000-10,000-20,000, तो सोचिए यानी 500 से 1,000 ठगी ये लोग कर चुके हैं। टोटल कितना पैसा कमा चुके हो ठगी करके? सर 20 से 25 लाख कमाए। 20 से 25 लाख ये मान रहे हैं, ज्यादा ही कमाए होंगे? नहीं सर, 30-35 लाख ये कमाए हैं, 20-25 लाख ये कमाए हैं, दोनों मिलकर 60 लाख की ठगी माना है इन्होंने कर दी है, ज्यादा किए होंगे समझिए। 500 ठगी किए हैं, एक ठगी 10,000 भी आप पकड़ोगे तो 500 × 10,000 मतलब 10 लाख, करीब 5 करोड़ की ठगी ये लोग। सीखे कहाँ पे हो सर? लगभग गांव में हर कोई करता है, लगभग गांव में सब लोग करते हैं। तो ये लोग आपस में एक दूसरे से, जैसे कि लोग शिल्प परंपरागत ढंग से सीखते हैं, जैसे लोग पॉटरी देखा ना घड़ा बनाते हैं तो सब सीखते थोड़ी, एक दूसरे सीख जाते हैं। कुछ कुछ शिल्प गांव होते हैं, कुछ पुलिस सेट है क्या? नहीं यार देखो, पुलिस सेट नहीं है, लेकिन अब ऐसा है देखो, जिस जहाँ का अपराध होगा वहीं का पकड़ेगी ना, ये देश भर में अपराध कर रहे हैं। लोकल का नहीं, जिसका फोन आया, लोकल आबादी कम फोन करती है, वो सब तो इसी काम में लगी रहती है। जमतारा आपने देखा होगा, वो वेब सीरीज बनी है, एक ही बताओ। अरे वहाँ हर आदमी एंटरप्रेन्योर है, हर आदमी अपनी कंपनी चलाता है, ये दो लोग मिलके करते हैं, 60 दो लोग मिलके 5 करोड़ कमा लिए, ये किसी के अंदर काम क्यों करेंगे? आपके साथ और भी लोग थे क्या? हाँ नहीं, बताएंगे नहीं, अलग 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 हर कोई हर काम करता है, हर बता देंगे खुद ही। रुक जाओ यार, कहाँ का खाता लेते थे सर? खाता देता था रेंट पे, खरीदते थे? नहीं सर, खाता देने वाला था वो परसेंटेज काट कर, परसेंटेज काट के लेता था। कितना परसेंटेज लेता था वो? वो सर 30% लेता, 30% लेता था। उसका काम है फेक अकाउंट लेके आना, उनके अकाउंट पर डलवाएंगे, वो 30% काट के दे देंगे। हर चीज रेंट, खाता रेंट, सिम कार्ड, सिम कार्ड भी देता था सर 1,000, जियो सिम 1,000, जियो सिम 1,000 रुपये का मिलता है जियो सिम, कोई आधार कार्ड की जो होता है, फिंगरप्रिंट की जो होता है, क्यों भाई? जी सर देता था सर, देता था लाके, पैसा फेंको घोटाला करो, क्यों भाई? अभी छूट के जाओगे फिर दोबारा शुरू कर दोगे काम, तो एक्सपर्ट हो गए हो तुम दोनों इसके। नहीं सर, अब नहीं करेंगे सर। क्यों भाई, मुझे देखने के, मेरे चेहरे में ऐसा क्या है? मैं कोई बाबा बन गया हूँ क्या कि मुझे देख लिया तो काम छोड़ दोगे? इतना हाई प्रॉफिट बिजनेस साहब बोले थे, कल तो बोल रहे थे साहब जाऊंगा फिर करूंगा। नहीं सर, घर वर बना लिए, अब नहीं कर, घर वर बना लिए ठगी करके, अब क्यों करेंगे? सुनो, घर बना लिए हो, गाड़ी भी खरीदे हो ना सर? बाइक, कौन सी बाइक है? अपाची और बुलेट। बुलेट कितने के लिए हो सर? लोन पे लिए थे 1 लाख जमा देके, 2,25,000 का बुलेट, 2,25,000 की बुलेट खरीदे हैं। और अपाची कितना खरीदे हो? 97,000 का। आप क्या खरीदे हैं जनाब? सुपर स्प्लेंडर। कितने का लिए हो? 85,000 का। तुम कितना घर बनाए हो? एक घर तुम बनाए हो? तुम सर दो घर, तीन घर बनाए हो? तीन घर बनाए हैं जनाब ठगी करके। एक घर अकेले बनाए, दो घर दोनों भाई। अरे भाई, तीन घर बना लिए तुम 4 साल में। और जमीन कितना खरीदे? जमीन नहीं खरीदे सर, गांव में घर अपना, मतलब पिताजी का जमीन है। तीन घर एक आदमी और एक घर एक आदमी, 4 घर बना लिया। सोचो एक घर बनाने में जहाँ सब पत्रकार बंधु बैठे हैं, कितना लगता है एक घर बनाने में? 25-30 लाख रुपए लगता है। 4 घर बनाने में कितना लगेगा? 10-12 लाख सर, छोटा छोटा घर। समझ गया भाई, 10-12 लाख में। देखो 3 स्टार है ये भी, आपके बराबरी का हो गया। देखो भाई गांव की बताओ, जब करोड़पति लोग हैं, तखंचा चाकू रखते हैं,
तो अपनी पूरी सुरक्षा से जाना अच्छी बात है। और इसमें जमतारा पुलिस को आप पूछ रहे थे सहयोग मिला तभी इनको पकड़ पाए, बिना जिला पुलिस के सहयोग के ऐसे तेज, आप सोच रहे हो कितनी ऐप की बात कर रहे हैं और कितनी चीजें कर रहे हैं, लगेगा आपको गूगल फॉर्म कि कहाँ की पुलिस आई थी, तुम भागे हो सर, हमें आते रहता है, आते रहता है गाँव में कहाँ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, राइट अ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।